हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लिबर्टी। लास्ट सेशन में हमने किया सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी एंड आज हम करेंगे लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी एंड इक्वालिटी, क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है? जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी का मीनिंग होता है कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, एक इंसान के कंडक्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं होनी चाहिए, उसको अपनी डिवेलपमेंट के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ओवरऑल डिवेलप कर सके। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी में कहते हैं इस संसार में हम सब इक्वल हैं, किसी के साथ कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो इक्वालिटी का पर्पस क्या है? इक्वालिटी का पर्पस है कि इकोनॉमिक ग्राउंड पर हम सभी इक्वल हैं, हमारे साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमें भी इक्वल राइट मिलने चाहिए। इक्वल राइट के साथ साथ हमें और क्या मिलना चाहिए? अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबके इक्वल होने चाहिए। तो इक्वालिटी में हम कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऑल आर इक्वल, चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है, तो वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन इसमें हम ये भी कहते हैं कि अगर इक्वालिटी इंक्रीज करनी है, जो वीक पर्संस हैं उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर हम सपोर्ट देंगे तभी तो इक्वल बनेंगे। अगर मान लो आपका कंपटीशन है, आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हो एंड अगर आपका कंपटीशन एक सिक्स सेवन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ हो, तो ऑब्वियस है कौन जीतेगा? ग्रेजुएशन लेवल वाला स्टूडेंट जीतेगा। जो इक्वालिटी होगी नहीं, इक्वालिटी का मीनिंग होता है कि इक्वल पर्सन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, ना कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। जिस लेवल पर आप हो, उस लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इक्वालिटी होगी। सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ ही कॉम्पिटिशन होना चाहिए, तभी इक्वालिटी इंक्रीज होगी। अदरवाइज क्या होगा? जो रिच पर्सन होंगे, कैलिबर पर्सन होंगे, जिनमें कुछ क्वालिटी होगी, वो ही इंक्रीज करते जाएंगे और दूसरे पर्सन क्या होंगे? वो डिग्रेड होते जाएंगे, क्योंकि हम सबको इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इक्वालिटी में अगर हम सब इक्वल हैं, तो कॉम्पिटिशन में इक्वल है, तो फिर क्या होगा? जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वीक पर्सन हैं, उनके साथ इनइक्वालिटी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरत है कि इक्वालिटी को भी इंक्रीज किया जाए। इक्वालिटी में हम कुछ प्रिविलेज देते हैं जिससे हम उन वीक स्टूडेंट्स को, वीक क्लास को डिवेलप कर सके। तो आज हम करते हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इनके रिलेशनशिप को टू पार्ट्स में हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है नेगेटिव व्यू, सेकेंड है पॉजिटिव व्यू। नेगेटिव व्यू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। नेगेटिव व्यू कहते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कि मेरे कंडक्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना की जाए। एंड जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी होनी चाहिए, जो जैसा है उसको ऐसे नहीं रहने देना चाहिए, कि सभी पर्सन की आप होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। अगर हमें इक्वालिटी मिलेगी, अगर ऐसा हो जाए कि इक्वालिटी के रूप में अगर कोई पर्सन काम करे चाहे ना करे, इक्वल वेजेस मिले, तो वो इक्वालिटी होगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो कैलिबर स्टूडेंट्स हैं, कैलिबर पीपल हैं, उनके टैलेंट को नहीं देखा जाएगा, उनको कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, सभी को इक्वल रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? एक पर्सन के साथ इनजस्टिस होगा। अगर हम कहें जो रिच पर्सन है, रिच पर्सन के पास वो सारी वेल्थ है, उनमें कैलिबर है कि वो और भी वेल्थ कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी कि आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट मत करो, क्योंकि हम इक्वालिटी चाहते हैं। तो ये दोनों क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई। अगर आप इक्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, तो
तो लिबर्टी कटेल करनी पड़ेगी। अगर आप लिबर्टी को देना चाहते हो तो इक्वालिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हो गया, ये दोनों के मीनिंग ऑपोजिट हो गए। नंबर टू, लिबर्टी अबॉलिश इक्वालिटी, लिबर्टी से इक्वालिटी खत्म हो जाती है। अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी क्या करेगी, फ्रीडम है, लेकिन लिबर्टी फ्रीडम किसको फेवर करती है, जो कैलिबर लोग हैं जिनमें कुछ क्वालिटी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनको फेवर करेगी। तो लिबर्टी फेवर्स टू द रिच पीपल इन द सोसाइटी। अगर हम लिबर्टी दे दें तो रिच पर्सन है वो ही फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे, पुअर लोग फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए लिबर्टी क्या करती है, ओनली रिच पीपल को ही फेवर करती है। इसीलिए हम कहते हैं अगर लिबर्टी इंक्रीज कर दी जाएगी तो इससे इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। आज के टाइम में कैपिटलिज्म में क्या है, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुकी हैं। इनइक्वालिटीज के मीनिंग क्या है कि इनइक्वालिटीज तभी बढ़ी हैं अगर हमने लिबर्टी दी है। हमारे इंडिया में ही इनइक्वालिटीज को मेजर कर लीजिए, इनइक्वालिटी कितनी है, 1% टॉप रिचेस्ट के पास कितने वेल्थ है, 51%, एंड बॉटम 60% लोगों के पास कितनी वेल्थ है, ओनली 4%। इसका मीनिंग देखिए कितनी इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। जी इनइक्वालिटी क्यों इंक्रीज की है, बिकॉज ऑफ लिबर्टी। अगर हमने इकोनॉमी में लिबर्टी को दी है, स्टेट ने लिबर्टी दी है कि जो पर्सन जो चाहे वो कर सकता है, वेल्थ कंसंट्रेट कर सकता है, तो रिच पर्सन का वेलफेयर हो रहा है और जो पुअर पर्सन हैं उनकी एक्सप्लाइटेशन शुरू हो चुकी है, जिस वजह से इनइक्वालिटीज इंक्रीज कर गई हैं। इसीलिए लिबर्टी मिलने से इक्वालिटी खत्म हो जाती है, लिबर्टी इक्वालिटी को खत्म कर देता है। नंबर थर्ड, इक्वालिटी नीड्स कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी। अगर आप अब इसके ऑपोजिट इक्वालिटी चाहते हो, पहले हम लिबर्टी चाहते थे, अब हम कहते हैं इक्वालिटी। अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो आपकी लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। इट नीड्स कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी, आपकी लिबर्टी को कर्टेल कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तभी जाकर इक्वालिटी इंक्रीज होगी। इसीलिए हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, वेल्थ कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अगर इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी में वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कुछ रिच पर्सन की लिबर्टी पर कि आप अपने मन पसंद से प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जितने चाहे उतने प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या हो गया, उन 1% लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, उनकी लिबर्टी को खत्म कर दिया गया है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। हम इक्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो लिबर्टी खत्म कर रहे हैं, वेल्थ कंसेंट्रेट करनी है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मैन कैपेबिलिटी, हर पर्सन की अगर कैपेबिलिटी होगी तो वो वेल्थ कंसंट्रेट कर लेगा, लेकिन ऑपोजिट है, लिबर्टी के ऑपोजिट होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर इक्वालिटी चाहते हैं तो लिबर्टी खत्म करनी पड़ेगी, अगर हम लिबर्टी चाहते हैं तो इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। इन दोनों का मीनिंग क्या है, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहा है। एंड फोर्थ वन इज इनइक्वालिटीज आर नेचुरल। जी क्या कह रहे हैं, कहते इनइक्वालिटीज नेचुरल है, भगवान ने भी इनइक्वालिटीज ही इंक्रीज की है। जी नेचर ने क्रिएट किया है, नेचर ने सभी पर्सन को इक्वल नहीं बनाया है। कुछ पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड कुछ डल होते हैं, किसमें कुछ ज्यादा कैलिबर होता है, किसमें कम कैलिबर होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नेचर ने अगर इक्वालिटी क्रिएट नहीं की तो हम इंसान नेचर में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बाय फोर्स हम इक्वालिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नेचर ने इक्वालिटीज नहीं क्रिएट की तो हम इंसान ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं कि हमें इक्वालिटीज क्रिएट करनी है। नेचर हैज नॉट क्रिएटेड ऑल मैन आर इक्वल, क्योंकि सबके कैलिबर में, कैपेबिलिटीज में, इंटेलिजेंसी में डिफरेंस होता है। जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, इट इज द अगेंस्ट द नेचुरल प्रिंसिपल। इसीलिए हमें इक्वालिटी क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहले टाइम की बात करते हो, पहले एक पर्सन की क्वालिटी थी तभी तो वो राजा बना था, तभी तो वो स्कॉलर बना था। हर एक पर्सन में क्वालिटी नहीं थी कि वो राजा बन सके, हर एक पर्सन की क्वालिटी नहीं है कि वो स्कॉलर बन सके। तो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं,
उनको उनके साथ ही जीने दीजिए। इनइक्वालिटीज नेचर ने बनाई है, इनइक्वालिटीज में इन लोगों को हम सबके रहने दो। हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लिबर्टी को क्यों कर्टेल करना? इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, जबकि इनइक्वालिटीज क्या है? नेचुरल है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स फेल टू शो देयर कॉम्पिटेंसी। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो, इक्वालिटी में हम सब इक्वल हैं, तो इसमें जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी क्वालिटी शो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या है, सबको इक्वल राइट है टू वोट का। तो हम इसमें क्या करते हैं, क्वांटिटी मैटर करती है, सबके हेड काउंट करते हैं, हेड काउंट मैटर करती है, लेकिन ये नहीं देखते कि किस पर्सन की क्या क्वालिटी है। अगर हमारे देश में पॉवर्टी है, तो लोगों के वोट को खरीद भी लिया जाता है, वो मात्र 2000 में 3000 में खरीदे जा सकते हैं। अगर हर एक पॉलिटिशियन उनको कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिस वजह से वो अपने वोट उनको सेल कर देते हैं, तो जहां पर क्या हो गया, अगर सबको इक्वल राइट टू वोट था, वो अपनी गरीबी की वजह से क्या कर रहे हैं, अपने वोट को सेल कर रहे हैं, जिसका एडवांटेज कौन ले रहे हैं, पॉलिटिशियन पार्टीज ले रही हैं। लेकिन अगर क्वालिटी के अकॉर्डिंग वोट दी जाए तो कितना बेनिफिट होगा। क्वालिटी की वजह से जिसमें कोई क्वालिटी है, जिसमें कोई कैलिबर है, जो अपने वोट को सेल नहीं करेगा, उसको सही यूज करेगा, तब जाकर एक अच्छी सरकार बन पाएगी। इसीलिए ये कह रहे हैं, जो एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हैं, इनकी क्वालिटी शो नहीं होती, इट डजंट मैटर, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है और क्वालिटी वाले पर्सन कम होते हैं। इसीलिए क्वालिटी क्रिएट करने के चक्कर में हम कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल की कैलिबर है उसको नहीं देख पाते हैं। ये था नेगेटिव व्यू, जिसमें हम क्या कर रहे थे, लिबर्टी एंड इक्वालिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहे थे। अब हम करते हैं पॉजिटिव व्यू, जिसमें हम कहेंगे कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। लिबर्टी इक्वालिटी के बिना, इक्वालिटी लिबर्टी के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकती। ये दोनों ऑपोजिट हैं, किस बेस पर, नेगेटिव व्यू के अकॉर्डिंग। नेगेटिव व्यू के अकॉर्डिंग मीन नेगेटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी एंड नेगेटिव व्यू ऑफ इक्वालिटी। अगर हम इनको स्टडी करें तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ऑपोजिट है, क्योंकि नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी क्या कहते हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जब हम पॉजिटिव व्यू करते हैं कि मेरे कंडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। नेगेटिव इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, हम इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं, इक्वालिटी मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी। लेकिन जब हम पॉजिटिव इक्वालिटी की बात करते हैं, पॉजिटिव इक्वालिटी में होते हैं कि हमने इक्वालिटी क्रिएट करनी है, इसके ऊपर कुछ पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, कुछ पर्सन को फेवर की जा सकती है, हम प्रिविलेजेस देते हैं जिससे सबका वेलफेयर हो। तो जो नेगेटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी और नेगेटिव मीनिंग ऑफ इक्वालिटी के बेस पर करेंगे, तो इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है। अगर पॉजिटिव व्यू ऑफ लिबर्टी और पॉजिटिव व्यू ऑफ इक्वालिटी करेंगे, तो दोनों में क्लोज रिलेशनशिप है। तो हम करते हैं अब पॉजिटिव व्यू। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल लिबर्टी इज अ मिथ विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी तो पॉलिटिकल लिबर्टी का फायदा क्या? तो हम ये कह रहे हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रिएट करनी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मीनिंग कि हर एक पर्सन की बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाकर हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए जो पुअर पीपल है, उनके लिए कोई मीनिंग ही नहीं है टू राइट टू वोट। उनको वोट का राइट है, लेकिन उनके लिए फायदा क्या, क्योंकि उनकी टेंशन क्या है, उनकी टेंशन है कि मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए। वो क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, वो अपनी सारी की सारी पॉलिटिकल लिबर्टी को सरेंडर कर देती है। इसलिए इन लियो ऑफ लिटल अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसों के लिए अपनी पॉलिटिकल लिबर्टी को सरेंडर कर दिया। इसीलिए कहते हैं अगर हम लिबर्टी को एंजॉय करना चाहते हो, तो पहले इकोनॉमिक इक्वालिटी लानी होगी। अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, तब जाकर लिबर्टी इंजॉय हो पाएगी। इसीलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्लोज रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, इन दोनों को हम डिफरेंट नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ बोथ सेम एंड वन। चाहे लिबर्टी है चाहे इक्वालिटी, दोनों का पर्पस सेम है और एक जैसा ही है। दोनों का पर्पस क्या है, टू क्रिएट एन एटमोस्फियर इन विच मैन कैन डिवेल हिज ओवरऑल डिवेलपमेंट, जिसमें वो अपनी डिवेलपमेंट कर सके,
सारे की सारे कैलिबर के साथ डेवलपमेंट होगी। अपनी डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, एटमोसफियर चाहिए, जिसमें उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी ना हो, इक्वालिटी भी हो, उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाना चाहिए जिससे वो डिवेल्प कर सके। इसीलिए कहते हैं दोनों का पर्पस सेम है, सोशल वेलफेयर करना। अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मेरा वेलफेयर हो, मेरा ओवरऑल डिवेलपमेंट हो। अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो भी हम यही कहते हैं कि इक्वालिटी में भी मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मुझको इनफीरियर शो ना किया जाए, मुझ में भी कॉन्फिडेंस भरा जाए। इसीलिए इनके दोनों का पर्पस क्या है? हम सब लोगों का वेलफेयर करना, सोसाइटी का वेलफेयर ही इन दोनों का पर्पस है। जो पॉजिटिव लिबर्टी है एंड पॉजिटिव इक्वालिटीज है, जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिस वजह से दोनों का पर्पस क्या होता है? फुलफिल होते हैं, जो है सोशल वेलफेयर। अगर सोशल वेलफेयर होगा तभी जाकर डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट वन इज बोथ आर टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, आज के टाइम में डेमोक्रेटिक सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट की। इसीलिए डेमोक्रेसी की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस के ऊपर। तो ये दोनों, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, दो क्या है? पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इनके ऊपर ही चलती है। अगर एक स्टेट में लोगों को लिबर्टी नहीं दी जाएगी तो उस लिबर्टी का कोई बेनिफिट नहीं होगा, लोगों की आवाज कहाँ तक जाएगी? अगर इक्वालिटी नहीं होगी, हम कहते हैं लोगों के द्वारा लोगों के लिए सब कुछ किया जाता है, तो लोगों का तो वेलफेयर ही नहीं हुआ। इसीलिए जरूरत है कि अगर लिबर्टी एंड इक्वालिटी को क्रिएट किया जाएगा तब जाकर हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहेगी। दैट्स व्हाई ये दोनों क्या हैं? एक डेमोक्रेसी के पिलर माने गए हैं। जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग पिलर के ऊपर खड़ी होती है, अगर उनके पिलर हटा लिए जाए बिल्डिंग भी गिर सक जाएगी। उसी तरह अगर इक्वालिटी एंड लिबर्टी नहीं दी जाएगी तो डेमोक्रेसी ज्यादा देर तक वर्क नहीं कर पाएगी। एंड लास्ट वन इज इक्वालिटी इज द प्री कंडीशन ऑफ लिबर्टी। इक्वालिटी क्या है? लिबर्टी की प्री कंडीशन है। अगर आप लिबर्टी को एंजॉय करना चाहते हैं, लिबर्टी से पहले आपको क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए। लिबर्टी का बेनिफिट तभी होगा अगर आप इक्वल होंगे, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, तभी जाकर हम लिबर्टी को एंजॉय करते हैं। तो जब हम कहते हैं हमारी सभी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होगी, उसके बाद हम अगली चीज सोचेंगे, उसके बाद हम लिबर्टी के बारे में सोचेंगे। अगर मेरे घर में बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही तो मैं लिबर्टी के बारे कैसे सोच सकती हूँ? मैं कैसे सोचूंगी अपने बच्चे को घुमाने बाहर ले जाऊं, हम बाहर कहीं ट्रिप पर जाएं? मेरे लिए वो चीजें मायने ही नहीं रखती, मेरे लिए वो चीजें मायने नहीं रखती कि कौन पॉलिटिक्स है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। मेरे लिए क्या मायने रखती है? मेरी बेसिक नीड्स मायने रखती है। इसीलिए क्या कह रही है? पहले आप इक्वालिटी क्रिएट कीजिए तभी लिबर्टी एंजॉय करेंगे। अगर मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी ना तब जाकर मैं लिबर्टी को एंजॉय कर पाऊंगी। इसीलिए कहते हैं रिच और पुअर का गैप है जी मिनिमम कर दिया जाना चाहिए ताकि सभी लोग लिबर्टी को एंजॉय कर सके। तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों ऑपोजिट टर्म्स नहीं है, जे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर लिबर्टी होगी तो इक्वालिटी क्रिएट होगी, इक्वालिटी लिबर्टी क्रिएट करता है। तो ये दोनों बहुत जरूरी हैं। हम यही कहते हैं लिबर्टी तभी इंजॉय होती है अगर हमारे देश में हम सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, इक्वालिटी क्रिएट की जाए। चाहे इकोनॉमिक मैटर हो, सोशल मैटर हो, पॉलिटिकल मैटर हो, हम सब इक्वल हैं। इक्वालिटी के साथ ही हम सबके साथ ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पॉवर्टी को दूर करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अगर हम सब लोगों को ये सब चीजें मिलेंगी तो इक्वालिटी क्रिएट होगी। ये इक्वालिटी मुझे इम्पावर्ड करेगी, जिससे क्या होगी? लिबर्टी को इंजॉय करने की मुझे शक्ति मिलेगी, जिससे मैं अपनी लिबर्टी इंजॉय कर पाऊँ। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वालिटी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।